नमस्कार, मेरा नाम है आर्या। मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ बनारस की टॉप 5 भर्ती अपडेट। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और जानते हैं वो 5 सबसे बड़ी वैकेंसी जिनमें सैलरी भी अच्छी है और आपको रहने खाने की भी सुविधा फ्री में उपलब्ध रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहली वैकेंसी की ओर। पहली भर्ती है हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की, जिसमें टोटल पोस्ट 120 है। बात करें इसमें योग्यता की तो इसमें 10th प्लस 12th दोनों चलेंगे। यदि आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से अधिक है और आप 10+2 क्वालिफाइड हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए परफेक्ट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें 8000 से लेकर के 16000 रुपये तक सैलरी है। ड्यूटी की बात करें तो इसमें 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक ड्यूटी है। ये आपको वाराणसी के, पूरे वाराणसी के लिए है, वाराणसी सेक्टर में कहीं से भी आपको लगाया जा सकता है, किंतु इसे ऑल इंडिया ओवर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास है आईटी सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसी, जिसमें पोस्ट है वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर का, जिसकी क्वालिफिकेशन MCA, BCA या फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर का काम आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको MCA किए हों या BCA किए हों। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर आता है, आप कर लेते हैं तो आपके अनुभव के आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें शुरुआती सैलरी है 8000 से लेकर के 45000 रुपये तक। यदि आप MCA, BCA किए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी शुरुआती सैलरी 25000 रुपये हो सकती है। डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा है और आपको काम कितना आता है। IT सेक्टर में हमारी दूसरी वैकेंसी है ऐप डेवलपर, जो मोबाइल एप्लीकेशन बनते हैं उनके लिए। यदि आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का ज्ञान है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो ये जॉब आपको दिला सकती है 12000 से लेकर के 45000 रुपये तक पेमेंट। तो यदि आपके पास नॉलेज है तो अप्लाई करें, हम आपको तुरंत लगवा देंगे। तीसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है कंटेंट राइटर। यदि आपको हिंदी में, इंग्लिश में लिखने का शौक़ है या आपके पास कंटेंट राइटिंग का अनुभव है तो ये जॉब आपको दिला सकती है 12000 से लेकर के 20000 रुपये पेमेंट। योग्यता इसमें कोई मायने नहीं रखती है, आप 10th 12th हैं, ग्रेजुएशन हैं, किंतु आपका कंटेंट राइटिंग का परपेस बढ़िया होना चाहिए। आपको जो भी कंटेंट दिया जाए उसके बारे में आप अच्छे से अच्छा कंटेंट लिख सकें, ठीक है। इसमें सैलरी की बात करें तो आपको 12000 रुपये से लेकर के 20000 रुपये तक मिल जाएगी। चौथी सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करें IT सेक्टर में तो जो है रिसेप्शन के लिए है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है बेसिकली जॉब। मैं फिर से बता दूं कि ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें योग्यता होनी चाहिए 10+2 और गुड लुकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जो भी कस्टमर आएंगे उनको हैंडल करना है प्लस कस्टमर से बात करना है। और इसमें टेलीकॉलर की भी वैकेंसी है, टेलीकॉलर योग्यता वही होनी चाहिए सेम 10+2, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 20 है, 10 रिसेप्शन की, 10 टेलीकॉलर की। ये दोनों का बेसिकली अलग अलग काम है और दोनों की सैलरी अलग अलग है। इसमें दोनों लोगों को सेम कंडीशन है, 10+2 होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, सैलरी 8000 से लेकर के 12000 रुपये तक मिलेगी। अब बात करते हैं होटल सेक्टर की। होटल सेक्टर में रेस्टोरेंट में आया है वैकेंसी हमारे पास वेटर का। यदि आपके पास वेटर का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 6 महीने से लेकर के 5 साल तक का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और 10+ है, 12+ है तो भी चल जाएगा। इसमें सैलरी की बात करें तो आपको 12000 रुपये सैलरी मिलेगा प्लस रहना खाना फ्री। जी हाँ, आप यदि एक वेटर का काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी इसमें 8000 से लेकर के 12000 रुपये प्लस रहना खाना फ्री रहेगा, 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी। नेक्स्ट भर्ती है हॉस्पिटल सेक्टर की। जी, बनारस के हॉस्पिटल्स में बम्पर भर्ती आई हुई है। इसमें नर्स जो कि GNM वगैरह जो की हुई हैं लड़कियां, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको 10000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। जो फ्रेशर रहेंगी नर्स उनको 3000 से लेकर 10000 के बीच में सैलरी मिलेगी। और इसकी योग्यता आप समझ सकते हैं, जो नर्स GNM वगैरह किए रहती है वही कर सकती हैं। बात करें ड्यूटी की तो 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, जिसमें सैलरी आपको 3000 से लेकर के 10000 रुपये तक मिल सकता है। ये पोस्ट है नर्स की, टोटल पोस्ट है इसमें 12 फीमेल नर्स चाहिए।
दूसरी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी वैकेंसी है कंपाउंडर की, जिसमें यदि आपने कंपाउंडर का काम किया हुआ है, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आपको सैलरी मिलेगी 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये। बात करें ड्यूटी टाइमिंग की, तो इसमें 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे का जॉब है, इसमें सैलरी आपको 10,000 से लेकर के 12,000 रुपये मिलेगा, कंपाउंडर का जॉब है। तीसरी सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करें तो इसमें है फार्मासिस्ट की, यदि आपको दवाइयों का नॉलेज है तो आप यदि फार्मेस्ट केमिस्ट हैं तो आपको इसमें सैलरी मिल सकती है 3,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक। ड्यूटी रहेगी आपके 12 घंटे, योग्यता वही ग्रेजुएशन होना चाहिए या 10+2 होना चाहिए। सारा दवाई जो भी लिख के डॉक्टर देंगे उसको कस्टमर को आपको हैंडल करना है, देना है। तो फार्मासिस्ट है जिसमें योग्यता मैं बता देता हूँ 10+2 या ग्रेजुएशन होना चाहिए, दवाइयों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और बात करें सैलरी की, तो इसमें 3,000 से लेकर के आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ड्यूटी की बात करें तो 8 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की, जो कि हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड का है, जिसमें आपको 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। ड्यूटी की बात करें तो आपको 12 घंटे या 8 घंटे ड्यूटी दोनों रहेगी, उसके हिसाब से सैलरी रहेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड की है, इसमें आपको 10+2 होना चाहिए, 5 फुट 5 इंच से एवव हाइट होनी चाहिए। थर्ड, हमारा जो लास्ट वैकेंसी है हॉस्पिटल में, वो है कुक की। यदि आपको खाना बनाने आता है तो हॉस्पिटल स्टाफ के लिए खाना बनाना होगा। जो सैलरी आपको प्रोवाइड इसमें की जाएगी वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये है। आपको रहना खाना फ्री मिलेगा, ठीक है, तो आप इसमें चाहें तो काम कर सकते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल सेक्टर के अलावा बैंकिंग सेक्टर की जो वैकेंसी है वो है फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे कि लोन डिपार्टमेंट में है, BSM का पोस्ट है, ब्रांच सेल्स ऑफिसर्स का है। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं तो आपके लिए है फील्ड सेल्स ऑफिसर का। आपको मार्केट में नहीं जाना है, ऑफिस में बैठे बैठे टेलीफोनिंग से काम करना है, कस्टमर को कन्विंस करना है, जिसमें सैलरी आपको 18,000 रुपये मिलेगी और प्लस इंसेंटिव मिलेगा। यदि आप CBSE बोर्ड से पास आउट है 10th 12th और आपकी एज 13+ है, 30+ होनी चाहिए आपकी एज। ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपको 13+ आपकी एज है तो आप फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, और इसमें आपको सैलरी 18,000 रुपये मिलेगी, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी वैकेंसी है हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर में फीमेल कैंडिडेट के लिए। यदि आपकी एज मैरिड हैं आप और आपकी एज 25+ है तो आपको लोन डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है, आपको सैलरी प्लस इंसेंटिव मिलता है। डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसमें आपको 12,000 से लेकर के 45,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग सेक्टर्स के लिए वैकेंसी है, टेलीकॉलर के लिए भी है, फार्मा, यदि आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है अकाउंटिंग वगैरह, तो उसके लिए भी है, बेसिकली फीमेल कैंडिडेट के लिए। और ये जो 18,000 रुपये सैलरी है CBSE बोर्ड से पास आउट होना है, तो इसमें मेल फीमेल दोनों लोग कर सकते हैं। लास्ट वैकेंसी की बात करें तो हाउसकीपिंग की है, कंपनी में आपको हाउसकीपिंग का काम करना है, 7,000 से 8,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। ड्यूटी टाइमिंग आपका कोई फिक्स नहीं है, जब साफ़ सफाई करने का समय रहता है आपको जा करके साफ़ सफाई करने जाएँ। दूसरी वैकेंसी है लेडीज़ के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, सेल्समैन की। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका 10+2 है और आपको सेल्स मार्केटिंग का अनुभव है, तो आपको मॉल सेक्टर में सेल्स ऑफिसर का जॉब मिलता है लेडीज़ का, जिसमें सैलरी आपको 8,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी लास्ट और अंतिम वैकेंसी है होटल सेक्टर में। होटल सेक्टर में आपको करना है कुकिंग का काम। यदि आप तंदूर रोटी बना लेते हैं तो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 8,000 से लेकर 12,000 रुपये। यदि आप रोटी बना सकते हैं, 500-1,000 रोटी बना सकते हैं, तो वो अगर आप कारीगर हैं रोटी बनाने के, तो आप होटल में काम कर सकते हैं, आपको सैलरी मिलेगी इसमें 8,000 से लेकर 12,000 रुपये प्लस रहना खाना फ्री। यदि आप वेटर का काम कर सकते हैं तो होटल में वेटर की वैकेंसी है, आप वेटर का काम करें और आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी प्लस रहना खाना फ्री। मैंने जितनी भी वैकेंसियों का रिक्वायरमेंट आपको बताया है, यदि आपको इन सभी वैकेंसियों में से आपको लगता है कि आपकी योग्यता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, ऑफिस एड्रेस है, हमारे ऑफिस एड्रेस पे हमारे ऑफिस में आए या फिर हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हमसे पूरी जानकारी प्राप्त करें। और ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बनारस की बहुत बड़ी छोटी वैकेंसियाँ एवं उत्तर प्रदेश की सारी वैकेंसियों का डिटेल आपको इस चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। जय हिंद।